हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की बिलासपुर इकाई ने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि जब तक प्रदेश सरकार चिकित्सा अधिकारी संघ की मांगों पर गौर नहीं करेगा तब तक संघ अपना संघर्ष जारी रखेगा। जिला इकाई प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय का पूर्ण समर्थन करेगी तथा 18 जनवरी से अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने के लिए काले बिले लगाकर रोष प्रदर्शन करेंगे। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की बिलासपुर इकाई के जिला प्रधान डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा एवं जिला महासचिव डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि संघ ने अपनी मांगों को लेकर जून माह में संघर्ष किया था। उस समय मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक मांगों पर कोई गौर नहीं किया है, जिससे चिकित्सा अधिकारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गत 3 जून को प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की नियुक्ति संघर्ष समिति को आश्वासन दिया था कि भविष्य में चिकित्सकों की नियुक्ति के समय एनपीए को पुनः उल्लंघन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति में इसे नहीं जोड़ा है। डॉक्टर जो है देश के वो ब्लैक बैजेस लगाकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, अभी जो 5 मांगे हैं, उनमें सबसे पहले है कि गवर्नमेंट ने अभी जो हमारे नए डॉक्टर्स लगे हुए हैं उसमें एनपीए को द्वारा से जैसे कि पुराने चिकित्सकों को मिल रहा है वो वैसे ही मिले, और जो हमारे डॉक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन से भी उसको डीलिंक किया हुआ है तो उसको भी पेंशन में द्वारा से लीक किया जाए। दूसरी जो मांग रहेगी वो रहेगी हमारी कि जो एक है उसमें है कि हमारे डॉक्टर्स की जो प्रमोशंस हैं वो काफ़ी टाइम से डीपीसी नहीं हुई है, तो हमारी ये भी मांग है कि डीपीसी को समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि विभाग का काम जो सुचारू रूप से